नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। शंभू को राम ने मार दिया। आसमान से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने ये कहा कि आपने हमारे स्वर्ग को बचा लिया। वो देवता लोग वहां से ये कहते हैं कि हम अगस्त के आश्रम में जा रहे हैं अगस्त मुनि के दर्शन के लिए। राम कहते हैं कि हम भी आपके साथ अगस्त के आश्रम में चलेंगे। सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ के अगस्त मुनि के आश्रम में आते हैं। इधर महाराज राम भी अपने पुष्पक विमान में बैठ करके और वहाँ अगस्त मुनि के आश्रम में आए हैं। देवताओं का विधि यजन पूजन वगैरह पूर्ण हुआ है, उसके बाद देवताओं ने वहाँ से प्रस्थान किया है। अब राम अगस्त मुनि के पास बैठ जाते हैं। गतेषु तेषु काकुत्स पुष्पकाद अवरोह्य च अतो विवादन मासाद्य अगस्त ऋषि सत्तम। उन देवताओं के चले जाने के बाद राम पुष्पक विमान से उतरते हैं, अगस्त मुनि का अभिवादन करते हैं। सो विवाद्य महात्मानं ज्वलंत में उत्तेजसा। वो अगस्त मुनि भी महाराज राम का अभिवादन करते हैं। आतिथ्यम परमं प्राप्य निशसाद नराधिपा, और अत्यंत आतिथ्य सत्कार करते हैं। राम महर्षि अगस्त के आश्रम में अत्यंत आनंदित होते हैं और दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं। अगस्त मुनि उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगस्त मुनि राम से ये कहते हैं, पुष्यताम चेह रजनीम सकाशे मम राघव। हे राम, आज की रात तुम यही मेरे आश्रम में रुक जाओ। ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए ना, तो आप अपना सौभाग्य समझते हैं। वो जब तक आपके पास रुका रहे, आज तो हम ऐसा नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई अतिथि आ गया तो कब ये जाए। हमारे टीवी के शो हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारे और करने के काम हम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। यहाँ तो तपस्वी हैं अगस्त मुनि। वो राम से कहते हैं, आज की रात्रि यहाँ रुको, कल प्रातःकाल होने पर तुम आराम से यहाँ से चले जाना। क्योंकि वो पुत्र जीवित हो गया, ये बात तो देवताओं ने ही कह दी थी, इसलिए राम को भी चिंता नहीं है। राम वहाँ रुक जाते हैं। राम जब वहाँ रुकते हैं तो अगस्त मुनि उनको एक दिव्य आभूषण देते हैं। इदम चाभरणम सौम्यम निर्मितम विश्वकर्मणा दिव्यम दिव्येन वपुषा दीप्यमानम स्वतेजसा। राम, विश्वकर्मा ने स्वयं जिसका निर्माण किया है, ये दिव्य आभूषण है, आप इसको धारण कीजिए। आपके धारण करने से इस आभूषण की दिव्यता और बढ़ जाएगी। प्रतिग्रहणी सुकाकुत से मत प्रियम गुरु राघव। हे रघुनंदन, इसको स्वीकार करो और मेरा प्रिय इतना कार्य कर दो। अर्थात देखिए, ऋषि तो ऐसे सुवर्ण आभूषण पहनेंगे नहीं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही निष्कारण है, बेकार पड़े हैं उनके यहाँ तो, अगर हैं तो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगस्त मुनि ब्राह्मण हैं, राम क्षत्रिय हैं, राम ब्राह्मण के पास से किस प्रकार से इस दान को स्वीकार कर सकते हैं। ये कुछ बातें इस प्रकार की खड़ी होती, तो ये दान नहीं है, ये दान नहीं है। देखिए, दान और अनुग्रह में अंतर होता है। अब आप कहें कि राम को ऋषि का अनुग्रह लेने की क्या आवश्यकता है, तो कुछ अनुग्रह प्रसाद रूप में प्राप्त होते हैं, जो प्रसाद रूप में अनुग्रह मिलते हैं उनका स्वीकार करना चाहिए। देखिए, दान और अनुग्रह में बड़ा अंतर होता है। दान जब आप करते हैं तो अपने से किसी श्रेष्ठ को करते हैं और इस अभिलाषा के साथ करते हैं कि उसको दिए हुए दान से आपकी परम तृप्ति होगी, आपका भविष्य उत्तम बनेगा, आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। भिक्षा लच्छी, जब आप किसी को भिक्षा देते हैं तो आप समझते हैं कि इसका भला हो जाए, इसका काम हो जाना चाहिए, इसलिए इसको ये दिया जा रहा है। लेकिन अनुग्रह और प्रसाद वो चीज है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने से कम कैडर के व्यक्ति को, अपने से उतरती कक्षा के व्यक्ति को देता है और वो जानता है कि इसको हम ये दें या ना दें, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इसका कोई भला नहीं हो जाएगा, लेकिन इसको ये चीज दे करके वो भी खुद को ये समझता है कि नहीं, मैंने मेरी ये चीज जो है योग्य व्यक्ति को दे दी। तो वस्तु के ऊपर भी अनुग्रह होता है, व्यक्ति के ऊपर भी अनुग्रह होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। तो दान, भिक्षा, अनुग्रह, इन सब में बड़ा अंतर होता है। लेकिन फिर भी यहां रामचंद्र जी जो हैं वो उनसे पूछते हैं, तस्मात् प्रदास्य विधिवत प्रतीक्षे नराधिपा, इसलिए मैं विधि पूर्वक ही आपको दे रहा हूं, आप इसको ग्रहण कीजिए, ऐसा अगस्त मुनि ने कहा। तो राम कहते हैं
कि महाराज ये क्या आभूषण है, ये आपको कहां से प्राप्त हुआ, ये बड़ा ही दिव्य है। तो पूछते हैं कथम भगवता प्राप्तम कुतो वा केन वा हृतम, कौतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वं महायशा। मुझे बड़ी उत्सुकता है क्योंकि आप यहाँ आश्रम में रहते हैं और इतना दिव्य आभूषण आपके पास कहाँ से आया, कौन इसको लेके आया, कैसे आपको प्राप्त हुआ, प्रभु मैं सब जानना चाहता हूँ। देखिए ये निखालसता होनी चाहिए। आप किसी के पास से कोई चीज लेते हैं और आपके मन में अगर कुछ अलग भावनाएं रहती हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। राम तुरंत पूछते हैं और तब वो ऋषि अगस्त जो हैं एक कथा सुनाते हैं। पुरा त्रेता युगे राम बभूव बहु विस्तरम समन्ताद योजन सतम विमृगम पक्षी वर्जितम। त्रेता युग के प्रारंभ का जब समय था तो हे राम ये जो वन, इस वन में जहाँ आए हुए हैं ना, ये दंडकारण्य वन जो है ये बड़ा लंबा बहुत दूर तक फैला हुआ था और इसमें कहीं भी कोई भी पक्षी और कोई भी प्राणी नहीं पाए जाते थे। बिल्कुल निर्जन नहीं, आप ये कह सकते हैं कि निष्प्राण, वृक्षों में जो प्राण है वो प्राण है लेकिन कोई भी प्राणी जहाँ नहीं था। इस प्रकार का ये वन बहुत दूर तक फैला हुआ था और इसके मध्य में एक योजन लंबा एक सरोवर था और वो जो सरोवर है वहाँ सभी प्रकार के पक्षी पाए जाते थे। तो तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो योजनम आयतम हंस कारण्यवाकीर्णम चक्रवाको शोभितम, जहाँ हंस कारण चक्रवाक ये सभी पक्षी पाए जाते थे। यानी पूरा वन निर्जन था और उसके मध्य में स्थित एक सरोवर और उस सरोवर में सभी प्रकार के उत्तम पक्षी पाए जाते थे। मैंने निश्चय किया कि इस वन को मुझे आद्यंत देखना है, शुरू से लेके अंत तक इस वन को मुझे देखना है। और मैं इस वन को देखने के लिए इसके अंदर प्रविष्ट हुआ, इधर उधर बहुत भटका लेकिन मैं कहीं भी इसका अंत प्राप्त नहीं कर सका। जब मैं उस सरोवर के किनारे पहुंचा जाके तो वहां मैंने क्या देखा कि बहुत ही सुंदर एक आश्रम वहां बना हुआ है। उस सरोवर के साथ में एक बड़ा ही सुंदर आश्रम बना हुआ है लेकिन वो आश्रम बिल्कुल निर्जन है, कुछ भी वहां पे, एक भी व्यक्ति वहां पे रह नहीं रहा है, वो खाली है आश्रम। पुराणम पुण्यमत्यर्थम तपस्वी जन वर्जितम तत्राहम अवशम रात्रो नैदाघिम पुरुषर्षभ, क्योंकि रात्रि हो गई थी तो मैंने निर्णय किया कि मैं यहीं इसी आश्रम में, भले कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन रहने के लिए स्थान तो उपयुक्त लगा तो मैं वहीं उस रात्रि रुक गया। महर्षि अगस्त राम को इस दंडकारण्य की कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं पूरी रात मैं बड़े सुख से वहां सोया, जब प्रातः काल में सोके उठा तो उस सरोवर पे रात को मैंने कुछ नहीं देखा था, सायंकाल मैंने कुछ नहीं देखा था। अथा पश्यम सवम तत्र सुपुष्टम अर्जह पचित, वहां मैंने एक दिव्य जैसा शव पड़ा देखा। शव यानी मुर्दा, कोई व्यक्ति मर गया हो और वो वहां पड़ा। अब देखिए इस वन में कहीं दूर दूर तक कोई व्यक्ति या कोई प्राणी नहीं है और ऐसे में उस सरोवर में एक मुर्दा दिखाई देता है। और मुर्दा कैसा है कि जो न तो सड़ गया है कि चलो महीनों से यहाँ पड़ा है, दिनों से यहाँ पड़ा है, बिल्कुल ताजा, आज ही जैसे वो मर गया हो और वहां पे पड़ा हो, इस प्रकार से न सड़ा न गला, बिल्कुल शुद्ध, यानी अगर उसमें प्राण हो तो जीवित हो जाए, इस प्रकार के एक शव को मैंने देखा। सुपुष्टम अर्जह क्वचित, वो कहीं से खराब नहीं था और बड़ा ही हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था सभी तरीके से वो श्रेष्ठ। उस शव को देख करके मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि भाई यहां पे रात्रि को मैं सो रहा था, ये शव आया कहां से? मैंने ना तो कोई आवाज सुनी और वन में दूर दूर तक कोई रहता नहीं है तो ये शव कहां से प्राप्त हुआ? अभी मैं विचार कर ही रहा था कि उसी समय मैंने आकाश में कुछ आवाजें सुनी और एक विमान जिसमें बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उनके बीच में एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ है। उपास्ते अप्सर सामवीर, अप्सराएं जिसकी उपासना कर रहे हैं, सहस्रम दिव्य भूषणम, जिसने बहुत सारे दिव्य आभूषण पहन रखे हैं। गायंती काचित रम्याणी वादयंती यथापरा, कुछ लोग गा रहे हैं कुछ लोग बजा रहे हैं। मृदंग वीणा पड़वान नृत्यंती चा तथापरा,
कहीं मृदंग बज रही है, कहीं वीणा बज रही है, कहीं पड़वानक बज रहे हैं, कुछ लोग वहां नृत्य कर रहे हैं। अपराश चंद्र रश्म्या भैर अदंड महाधनय ही, वहां पे सभी दिव्य जितने सुख हैं उन सभी सुखों के साथ के उस विमान को मैंने पृथ्वी पे उतरते देखा। अब उस विमान में से एक बड़ा ही दिव्य प्रकार का व्यक्ति देवतुल्य दिखाई दे रहा है, वो उतरता है और उस शव के पास जाता है और उस शव को वो खाना शुरू कर देता है। पश्यतु मे तदा राम विमानद अवरुह्य च तम सवम भक्ष्यामास स स्वर्गीय रघुनंदन। स्वर्ग के रथ में से उतरा हुआ वो व्यक्ति हे राम मेरी आंखों के सामने उस शव का भक्षण शुरू कर देता है। देखिए जिंदा तो व्यक्ति नहीं खाया जाता है, खाया तो मार के ही जाता है, लेकिन मरे हुए को नहीं खाया जाता है, जो पहले से मरा पड़ा हो और कोई उसको जाकर के खाए, इस प्रकार के विधान नहीं है। तो उस शव का भक्षण करते हुए जब मैंने उसको देखा, थोड़ी देर बाद जब उसने खूब तृप्त होकर के उस शव को खा लिया तो वापस अपने विमान में चढ़ गया, वो जाने लग गया। ऐसे में मैंने उसको रोका कि भाई आप कौन हो, मुझे आपका परिचय दीजिए, आप इस प्रकार से देवतुल्य दिखाई दे रहे हैं और ऐसा निकृष्ट कर्म किस लिए करते हैं। कस्य स्याद् ईदृशो भाव आहारो देव सम्मता, भाई देवताओं के लिए इस प्रकार का आहार करना कब से योग्य हो गया था? आप देवतुल्य विमान में से आए हैं और आप इस प्रकार का आहार कर रहे हैं। देखिए अगस्त ऋषि भी ऋषि हैं और उनकी भी ये जवाबदारी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में प्रश्न तो कराएं। आश्चर्यवर्त देशों में श्रोतुम इच्छामि तत्त्वतः, मुझे ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना लग रही है इसलिए आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। श्रोण ब्रह्मन पुरावृत्तम ममैत दुख सुख है वो अनतिक्रमणीयम चा यथा पृच्छ से मान लीजिए। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कैसा ये सुख दुख से भरा हुआ वृत्तांत है जिसको चाह करके भी मैं रोक नहीं सकता हूँ, अनतिक्रमणीय है, जिसको पार नहीं किया जा सकता है। पुरा वैदर्भ को राजा पिता मम महायसा, पुरानी बात है, विदर्भ देश में मेरे पिताजी जो महान यशस्वी थे सुदेव नाम के राजा राज्य किया करते थे, उनके दो पुत्र थे, अहम श्वेता मैं जिसका नाम श्वेत था और मेरा छोटा भाई जो था वो सुरथ उसका नाम था। तो उनके दोनों पुत्र मैं श्वेत और मेरा छोटा भाई सुरथ बड़े ही आनंद और सुख से रहते थे। पिताजी ने मेरा राज्याभिषेक किया और उस राज्याभिषेक के बाद मैंने प्रजा का बड़े उत्तम ढंग से पालन किया, सब कुछ बड़े अच्छी प्रकार से चल रहा था, मेरा छोटा भाई युवराज बना हुआ था। सोहम निमित्ते कस्मिंचित विज्ञात आयु द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम ऐसे में मैंने किसी प्रकार से अपने आयुष्य के बारे में जान लिया कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, ये बात मुझे मालूम पड़ गई। देखिए ये मेरा सभी से कहना है, ज्योतिष का कार्य है काल की गणना करना, समय की गणना करना, खगोलीय ग्रह नक्षत्रों की चाल को बताना, ज्योतिष आपका भविष्य बताने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपके लिए आपका भविष्य जानना श्रेष्ठ होता तो ईश्वर स्वयं आपको ये ज्ञान देता कि आप अपने भविष्य को जान पाए, और जितना आपको आपका भविष्य मालूम पड़ना चाहिए उतना ईश्वर आपको शकुन अपशकुन और कुछ इशारों से बता दिया करता, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी कुछ शकुन अपशकुन होते हैं उनके माध्यम से आपको बता दिया करता है। इससे अधिक आपके भविष्य को जान करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। देखिए एक बड़ा ही स्पष्ट है कि भविष्य जो है उसका ज्ञान आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता है। अगर आपको ये मालूम है कि भविष्य में आप सुखी होने वाले हैं तो इस समय के वर्तमान के दुख दूर नहीं होंगे आपके, लेकिन भविष्य में आपको दुख मिलने वाला अगर ये ज्ञात हो आपको तो वर्तमान का सुख आपका नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप उसकी चिंता में ऐसे खो जाते हैं कि आप वर्तमान अपना बिगाड़ देते हैं। राजा कहता है मुझे अपने जीवन के बारे में मालूम पड़ गया, मुझे भविष्य का ज्ञान हो गया, तो मैंने वन जाने का निश्चय किया और अपने छोटे भाई सुरथ को राज्य देकर के भ्रातरम सुरथम राज्य अभिषिच्य मही पतिम इदम सराह समासाद्य तपस्तप्तम मयाचर, और इसी सरोवर पे आकर के मैं तपस्या करने लग गया। मैंने कठिन तपस्या की, क्षुत पिपासी द्विजो तो मैं बाधते परमे वीरे तत्व व्यतेंद्रिया, इसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब मैं स्वर्ग में गया
तो मुझे सब कुछ प्रदान किया गया, लेकिन मुझे हमेशा भूख लगती रहती थी, प्यास लगती रहती थी। देखिए देवी होने का ये नियम है कि वहाँ भूख प्यास नहीं लगा करती है, लेकिन मैं एक ऐसा था वहाँ जिसको भूख प्यास लगा करती थी। मैं पितामह के पास गया और मैंने पितामह से कहा, भगवान ब्रह्मलोकोयम क्षुत पिपासा विवर्जिता। भगवान ये ब्रह्मलोक जो है भूख और प्यास से विवर्जित है, यहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगा करती है। कस्यायम कर्मणा पाका क्षुत पिपासानुगो है, लेकिन मेरे साथ ये कैसा है कि मुझे हमेशा भूख प्यास लगी रहती है। आहारा कष्ट में देवे तन्मे ब्रूहि पितामह, तो मैं नित्य प्रति क्या आहार करूं, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा मैंने जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे श्वेत तुमने तपस्या बहुत की, बहुत तपस्या की तुमने, तुमने अपने शरीर को तो पुष्ट बनाया लेकिन तुमने समाज के लिए कुछ नहीं किया, तुमने कभी दान धर्म यज्ञ यागादि कोई कार्य नहीं किए हैं। और जब व्यक्ति दान धर्म यज्ञ यागादि नहीं करता है तो उसको स्वर्ग में खाने के लिए कुछ नहीं मिला करता है। अगर आपको स्वर्ग में भोजन चाहिए तो आपको भोजन का दान करना पड़ेगा, अगर आप वो दान नहीं कर रहे हैं तो आपको उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब अगर आपको भूख लगी है तो आपका शरीर जो है, आप मर गए, आपका शरीर जो वहां पड़ा हुआ है, आप नित्य प्रति जब आपको भूख लगे उस सरोवर पे जाकर के अपने शरीर का स्वयं अपने मांस का भोजन कर सकते हैं। इसलिए मैं ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार आहारम गर्भितम कुर्मी, ये जो बड़ा ही निकृष्ट प्रकार का आहार है ये मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैं इस आहार को करता हूं। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि मैं ही अगस्त्य हूं। तब वो राजा जो देवतुल्य हो गया है वो अपने सारे आभूषण और सारे आभरण मुझे दान में देता है और मुझसे कहता है कि महाराज मुझे इसमें से मुक्ति दिलवाइए। इसके बाद उसका वो जो मृत शरीर वहाँ पड़ा था वो भी नष्ट हो गया और उसकी भी क्षुधा हमेशा के लिए शांत हो गई। तो हे राम, इस प्रकार से ये दिव्य स्वर्गीय आभूषण हैं जो विश्वकर्मा ने बनाए हैं, जो मुझे मिले हैं, अगर तुम इनका स्वीकार करोगे तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। ये कहकर के वो जो शुद्ध आभूषण थे वो राम को अगस्त्य मुनि ने भेंट किए हैं, राम ने उन आभूषणों का स्वीकार किया है, राम वहाँ पर रुके हुए हैं। आगे कुछ कथाएँ और राम पूछेंगे, वो कथाएँ हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। जीवन में जितना महत्व तपस्या का है उससे अधिक महत्व दान धर्म का है। अगर आप सिर्फ स्वयं खाते हैं तो आप केवलादि हैं, यानी आप पापी हैं, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। और जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं तो आप यज्ञ करते हैं, ये भी श्रीमद् भगवद गीता कहती है। तो जीवन में कुछ करते रहिए, लोगों के लिए करते रहिए, अपने लिए कम सोचिए, लोगों के लिए ज़्यादा सोचिए। इसी में कल्याण है। धन्यवाद।